हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देर वॉज अ टाइम जब मैं बहुत फ्रिक्वेंटली एसएन मार्केट जाया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ क्योंकि जो मेरा बेबी है आरव, वो इस तरह के जो क्राउडेड मार्केट है वहाँ जाके बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं एसएन जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस वीकेंड मेरा भाई आया हुआ था तो मेरे भाई और हस्बैंड ने कहा कि हम आरव को देख लेंगे, तुम जाओ और जी लो अपनी ज़िंदगी, जाके कर लो शॉपिंग। फिर क्या था, मैंने फटाफट से अपना बैग उठाया और भागी एसएन के लिए। तो एसएन जब आप जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं वो है पार्किंग की। अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप मेट्रो से जाएं या फिर टैक्सी करके आप वहाँ पर जाएं। अदरवाइज़ जो है पार्किंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है और बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। लेकिन लकीली मुझे थोड़ी सी टाइम के बाद पार्किंग मिल गई थी तो मैंने अपनी कार पार्क की और फिर फटाफट से शॉपिंग में जुट गई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। वैसे मैंने एसएन में अपने अलावा अपने बेबी के लिए भी शॉपिंग की है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले चीज़ जो मेरे हाथ में आई है वो है ये कुर्ता। ये ब्लैक कलर का कुर्ता है, कॉटन में इसका मटेरियल है। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन दिए हुए हैं और इसमें फ्रंट पे स्लिट है। बहुत ही अच्छा कुर्ता है ये, मेरे को ये 200 रुपीज़ में पड़ा था। पीछे इसमें एक बेल्ट दी हुई है ताकि आप अपने हिसाब से इसको बांध सके। और इसके अलावा इसके साथ टीम अप करने के लिए मैंने एक ब्लैक कलर का प्लाजो लिया था। इसमें यहाँ फ्रंट में आप देख सकते हैं मतलब ऊपर की साइड में काम हो रहा है और इसी तरीके का सेम वर्क जो है नीचे भी मिलेगा, ये देखिए। तो ये जो प्लाजो है ये मेरे को 150 रुपीज़ में मिला था। सो इट मीन्स कि 350 में मेरा जो ये है पूरा सेट बन गया है। मैंने इसको पहन के देखा था, बहुत अच्छा लग रहा है, एलिगेंट लुक देता है ये। तो कॉलेज में या फिर वर्किंग प्लेस में आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप एसएन जाते हैं तो इस तरीके का कुर्ता और प्लाजो ज़रूर खरीदें। तो इसके बाद मैंने लिया था ये वाइट कलर का टॉप, बहुत ही प्रिटी है ये टॉप। इसके फ्रंट में आप देख सकते हैं ये लेस वर्क हो रहा है, इवन जो इसकी स्लीव है बेल शेप इसकी स्लीव है और उस पर भी लेस का काम हो रहा है। बैक साइड पर जो है इसके टॉप के नेट लगा हुआ है, इसमें पूरा जो है लेस का काम हो रहा है। ये जो टॉप है मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ में और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। समर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि समर्स में वाइट कलर के टॉप बहुत अच्छे रहते हैं। इसके बाद जो है मैंने लिया था ये टॉप, ये ब्लैक एंड वाइट कलर में है, सिंपल सा टॉप है। अगेन इसकी आप स्लीव देख सकते हैं बेल शेप में है और इसमें ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ये फ्लावर्स बने हुए हैं। तो अगेन ये टॉप मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ में, समर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी से मिलता जुलता मैंने एक और टॉप लिया था, वो है ये ब्लैक कलर का टॉप। अगेन ये टॉप मुझे 150 रुपीज़ में पड़ा था। तो मुझे लगता है सारे टॉप्स जो 150 अराउंड थे, 150 या मैक्सिमम 200। तो ये देखिए बहुत ही प्रिटी है ये वाला टॉप, इसके अंदर आपको इनर पहनना पड़ेगा। इस वाले में इनर की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसमें आपको पहनना पड़ेगा। तो ये दोनों जो टॉप हैं एक सी डिज़ाइन में है लगभग और इनकी जो MRP है दोनों की 150 ईच है। इसके बाद मैंने ये जीन्स ली थी, एसएन में इस तरह की जीन्स आपको बहुत इजीली मिल जाती है, 200 इसका प्राइस है। मैं जनरली जीन्स जो है लोकल मार्केट से नहीं लेती हूँ क्योंकि फिटिंग का इशू होता है, लेकिन ये वाली जो है इसकी फिटिंग अच्छी है, लो वेस्ट है ये, लेकिन जीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको 700 या 1000 से कम तो नहीं मिलेगी अगर आप इसको मॉल से ख़रीदते हैं तो। तो अगेन बहुत खुश हूँ कि मैंने इसको पिक किया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली थी वो है ये डेनिम का कुर्ता।
या इसको आप ड्रेस की तरह भी पहन सकते हैं। ये इस तरीके का कुर्ता है और इसके फ्रंट में दो पॉकेट्स हैं, एक ये वाली कॉलर है इसमें। तो मैं इसको जो है अगर आरफ को स्कूल ले जाऊंगी तो लेगिंग के साथ टीम अप करूंगी, अदरवाइज जो है मैं इसको ड्रेस की तरह भी पहन सकती हूँ। तो ये मुझे पड़ा था 200 रुपीज़ में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ड्रेस है ये और बहुत अच्छी डील मुझे मिल गई, क्योंकि 200 रुपीज़ में इस तरह की ड्रेस आपको नहीं मिलती है। तो अगेन मैं बहुत खुश थी इस वाली ड्रेस के साथ कि मैंने इसको पिक किया। इसके बाद जो है मैंने एक टॉप लिया था, वह है ब्लैक कलर का टॉप। इसके यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही प्रिटी वर्क हो रहा है, फ्रंट में बटन्स दिए हुए हैं और स्लीव्स प्लेन है, लेकिन इधर जो पार्ट है फ्रंट वाला पार्ट उसमें बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो अगेन ये टॉप मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो फिर से एक टॉप, ये ऑफ वाइट कलर का, या मोर ऑफ क्रीमिश है। आई डोंट नो कि ये कैमरे में वाइट दिख रहा है या, बट ये क्रीमिश कलर का टॉप है। अगेन इस पर बहुत अच्छा सा काम हो रहा है, ये देखिए ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है और यहाँ पर ये देखिए। तो अगेन इसके नीचे आपको इनर पहननी पड़ेगी, समर्स के लिए इस तरह के टॉप बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो अगेन ये मुझे पड़ा 150 रुपीज़ में। इसके अलावा मैंने एक और टॉप पिक किया, वो है ये नेवी ब्लू कलर का, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लोरल प्रिंट में है। ये जो टॉप है ना बहुत एलिगेंट लुक देगा, अगर आप स्कूल सॉरी कॉलेज जाते हो या ट्यूशन जाते हो या वर्क प्लेस में, बहुत ही अच्छे रहते हैं ऐसे टॉप। इसके फ्रंट पे देखिए ये बटन्स दिए हुए हैं, मुझे तो ये टॉप बहुत अच्छा लगा। तो अगेन ये मुझे पड़ा 150 रुपीज़ में। इसके अलावा मैंने दो ड्रेस ली थी, आप उसको ड्रेस की तरह पहन सकते हैं या कुर्ती की तरह पहन सकते हैं। तो पहली जो ड्रेस या कह लीजिए कुर्ती है वो है ये येलो कलर की कुर्ती, बहुत ही प्रिटी कलर है इसका और आप देख सकते हैं बहुत प्रिटी से प्रिंट हो रखा है इस पर, ये देखिए। तो इसको ड्रेस की तरह पहन सकते हो, लेकिन मैं इसको ब्लैक कलर की लेगिंग के साथ प्लस ब्लैक कलर की चुन्नी के साथ लूँगी, एज अ इसको मैं पूरा सूट जो बोलते हो बना लूँगी। तो ये वाला जो ड्रेस है वो मुझे पड़ा था 300 रुपीज़ में, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील है। अगर आप अमेजोन वगैरह पे देखोगे तो इस तरह की कुर्ती आपको 500-600 में तो मिनिमम मिलेगी ही। इसके साथ ये बेल्ट भी आई हुई है, ताकि आप इसको अपने अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग बांध दीजिएगा, ताकि लूज़ तो नहीं खैर टाइट ही करना होता है। मैंने एक और ड्रेस ली, वो है ये ब्लैक एंड वाइट कलर के, चेक्स आप देख रहे हैं बने हुए होंगे। ये अगेन कुर्ता मुझे 300 रुपीज़ का पड़ा, आप इसको ड्रेस की तरह पहन सकते हैं या फिर कुर्ती की तरह पहन सकते हैं। इसमें यहाँ कॉलर दिया हुआ है और पूरा जो है इसमें बटन्स लगे हुए, नीचे तक ये खुलती है। तो जितने भी मैंने कपड़े लिए उनमें सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग था वो यही था, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पहनने के बाद ना जो शेप है वो कुछ अजीब सी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसको एज अ कुर्ता तो नहीं पहनूंगी, हाँ हो सकता है इसको एज अ शर्ट मैं स्पेगेटी टॉप के साथ ट्राई करूँ। तो अगर मैं इसको ट्राई करूँगी तो डेफिनेटली आपको दिखाऊँगी, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी पिक्चर शेयर करती रहती हूँ। तो ये तो हो गए सारे क्लोथ्स जो मैंने खरीदे थे। इस टाइम जो बेसिकली है मैंने जो टॉप्स खरीदे हैं वो ऐसे टॉप्स हैं जो आप कॉलेज में या वर्किंग प्लेस पे इजीली पहन सकते हैं। मुझे ऑफ शोल्डर्स भी लेने हैं, लेकिन वो मैं जब कभी नेक्स्ट टाइम मेरी ट्रिप लगेगी लेसन के लिए तब मैं करूँगी, और आई होप लग जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आरब के साथ। तो ये हो गए मेरे सारे क्लोथ्स जो मैंने एसन से ख़रीदे हैं, आई होप आपको पसंद आए हुए। अगर आप एसन पहली बार जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कोशिश करिए या तो आप मेट्रो से जाएं या फिर आप टैक्सी लेकर जाएं, क्योंकि जब आप अपना व्हीकल लेकर जाते हो ना तो आधा टाइम लग जाता है पार्किंग ढूंढने में और फिर शॉपिंग करने का टाइम कम मिल पाता है।
दूसरी चीज़ ये कि जब आप ऐसे जा रहे हो तो बड़ा सा बैग लेके जाए, क्योंकि इतनी वैरायटी है ना, बस ऐसा लगता है उठा के डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ख़त्म ही नहीं होती शॉपिंग, तो बड़ा सा बैग लेके जाए। तीसरी चीज़, जब आप ऐसे जा रहे हैं तो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने, क्योंकि क्या होता है आपको कई चीज़ों को पिक करना होता है, भीड़ बहुत होती है, तो कोशिश करिए कि जो कंफर्टेबल क्लोथ्स है वो आप पहन के जाएं। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो अपना फुटवेयर है ना, कोशिश करिए। मैं पहले ना चप्पल पहन के जाती थी, रीज़न ये कि बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ऐसे में चलना बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पैर में, अगर आप हील्स पहन के जा रहे हो तो पेन हो सकता है, तो कंफर्टेबल जो है फुटवेयर पहन के जाए। तो ये सारी चीज़ें हो गई एसएन को लेके। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी, और शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको पता है कि गर्ल्स को जो है शॉपिंग कितनी पसंद है, उनको भी मालूम होना चाहिए कि एसएन जाकर वो क्या क्या खरीद सकते हैं।